हेलो गाइस, सो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। हम पहुंच चुके हैं अपनी XUV 700, जिसका नाम मैंने बम्बल बी रखा है, उसकी डिटेलिंग करवाने एंड सिरेमिक कोटिंग करवाने। एंड हम ये गुड़गांव सेक्टर 61 में करवा रहे हैं, OCD डिटेलिंग शॉप से, जहाँ पे अभी मैं पहुंचने वाला हूँ। एंड अभी मेरे को कार लिए एक दिन हुआ है एंड आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि एक हल्का सा स्क्रैच मैंने ऑब्जर्व किया अपनी कार में। उसके बाद आई रियली गॉट कंसर्न एंड आई वॉन्ट सम सिरेमिक कोटिंग टू हैपन ऑन इट, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई रियली टॉक टू हिम, सो ही सौरभ इज टेकिंग केयर ऑफ दिस OCD डिटेल स्टूडियो एंड लेट्स सी द होल प्रोसेस। सो गाइज, आप देख सकते हैं गाड़ी अभी कितनी गंदी हो रही है, एंड इट्स लिटरली 2 days into डिलीवरी एंड मिट्टी भर भर के है अभी। नॉट श्योर इफ आई यू कैन सी, सो लेट्स सी अभी क्या इसका। ये देखिए, यहाँ पे आप ब्लैक पे और अच्छे से देख पाएंगे कि मतलब अच्छे से घिस चुकी है डिलीवरी के बाद, एक बार भी कपड़ा नहीं मारा गया है इस पर। वी विल शो यू बिफोर एंड आफ्टर ऑफ इट विद एवरी डिटेलिंग on OCD Detail Studio. Keep posted. Okay, so I am here with Mr. Saurabh, who is owner of OCD Detailing. He will explain what is going on for the car today. It will take 3 days at least, so please. Yeah, hi. Thanks, Saurabh, for coming to OCD. What we are going to do is, we'll do a decontamination of the car. आइडिया है कि गाड़ी के ऊपर से कोई भी इस पर कोई भी पार्टिकल ना रहे, या डीलर ने कोई भी ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी अप्लाई करी होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो द कार विल बी एब्सोल्युटली यू कैन से सैनिटाइज फ्रॉम द एक्सटीरियर, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड देन पेंट के ग्लॉस एनहांसमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। या है, सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मारुति की कार खड़ी है एंड उसकी डिटेलिंग हुई है सिरेमिक कोटिंग, एंड दिस लुक्स रियली ब्रांड न्यू। फर्स्टली आई थॉट कि इट्स बिकॉज ऑफ लाइटिंग्स इट्स लुक लाइक दिस, बट यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग विच हैज हैपेंड हेयर एंड इट्स एक्चुअली लेयर ओवर इट विच विल प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रैचेज ऑल्सो फॉर श्योर। सो दिस लुक्स अमेजिंग, हियर इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अभी इस पर एक और कोटिंग होनी है विच मिस्टर सौरभ जस्ट टोल्ड मी, सो लेट्स सी कि लास्ट में क्या लुक रहता है, बट अभी से ही इतनी फैंटास्टिक लग रही है तो आई एम वेटिंग। लेट्स सी अपनी XUV पे क्या होता है। सो गाइज, वी हैव अ वंडरफुल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। ये वाला पैनल एक्सीडेंटल है एंड इस पर सिरेमिक कोटिंग अभी नहीं हो रखी, एंड इस पैनल पर सिरेमिक कोटिंग हो रखी है। ये गाड़ी यहाँ पे इसलिए आई है कि इस पैनल पे भी सिरेमिक कोटिंग हो जाए, एंड वी कैन सी द डिफरेंस। इसमें हल्का सा डार्कनेस आ गया शेड का, विच इज़ एक्चुअली लुकिंग क्वाइट कूल, एंड इस पर शाइन अलग लेवल की है। एंड वेयर इज हेयर, आई डोंट नो आप कैमरा में देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट यहाँ की शाइन नहीं है इतनी, ना ये सॉफ्ट है ना स्मूथ है, एंड यहाँ पे अलग ही शाइन है, एंड टच का भी फील अलग है, विच इज़ स्क्रैच रेजिस्टेंट इन इटसेल्फ। एंड हेयर यू कैन सी अ स्क्रैच मार्क ऑल्सो, जो यहाँ पर है, हेयर यू कैन सी। सो दिस मिस्टर सौरभ इज टेलिंग इट विल गेट रिमूव्ड, सो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग सिरेमिक। एंड अगर मैं PPF पे जाता, जो लोग मोस्टली लोगों के ओपिनियन होते हैं PPF जाओ, तो यहाँ से इट एक्चुअली कम्स आउट इन सम टाइम, आई हैव सीन दैट, सो दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल। सो आई कैन सी द डिफरेंस हेयर, दिस पैनल एंड दिस पैनल, सी दिस पैनल एंड दिस पैनल, एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दीज टू।
सो अपनी कार भी आ रही है. हियर इट इज बम्बलबी. एंड ये रही अपनी, आई मीन अपनी नहीं आ रही, तो किसी और की है. और ये रही अपनी. इस पर देखते हैं सिरेमिक कोटिंग होने के बाद ये कैसी रहेगी. ये मेरे को 3 दिन बाद मिलेगी, तो लेट्स सी. इस पर भी एग्जैक्टली वही डिफरेंस मेरे को लगने वाला है जो अभी इन दो डोर पैनल्स पर लग रहा है. हेलो गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी. तो ये सेकेंड डे है सिरेमिक कोटिंग का एंड हम पहुंच चुके हैं ओसीडी डिटेल स्टूडियो में देखने कि हमारी बम्बलबी एचयूवी 700 कैसी है. सो गाइस, टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ आर कार एंड आज इसमें डिटेलिंग होगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो स्ट्रिप्स लग गई हैं. मैंने पूछा तो दे सेड कि यहाँ पे अलग तरीके की कोटिंग होगी एंड दे डोंट ओवरलैप, सो दैट्स व्हाई दे डू दिस एंड इट इज़ शाइनिंग एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक. सो मिस्टर सौरभ विल एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स एंड लेट मी सी हियर वाज माय कट. I can see it here, but अब तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. वो ब्लैक लगा हुआ था, वो हट चुका है. दैट्स ग्रेट. ओके मिस्टर सौरभ, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आज क्या स्टेप रहेगा. दिस इज डे 2 ऑफ सिरेमिक कोटिंग. या, हाय. सो यस्टरडे वी डिड द डीकंटामिनेशन एंड वी डिड द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्शन. इन दैट व्हाटएवर द माइनर फ्लॉज वर देयर इन द पेंट, दैट हैज बीन लेवल्ड आउट. सो यू कैन सी दैट द कार इज लुकिंग एक्सट्रीमली ग्लॉसी, बहुत ही अच्छी शाइनिंग दिख रही है. बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम शाइन ऑफ द कार. अभी इसमें फ्लॉ है. सो आई विल शो इट टू यू. वाइट कलर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू शो टू यू कि अभी इसमें क्या फ्लॉ है. सो नाउ टुडे विल बी डूइंग द फिनिशिंग स्टेप. फिनिशिंग स्टेप में इसका जो फ्लॉ है, एक लाइट अगर इसके पिन पॉइंट अगर डाली जाए, सो दैट विल बी स्प्रेडिंग. तो उसको ख़त्म करेंगे पहले, और उसके बाद वी विल यूज़ अ वेरी वेरी हाई ग्लॉस पॉलिश to set the base for ceramic coating, and that is the thing that acts as a ceramic primer also. और उससे gloss इसका बहुत ही ज़्यादा enhance हो जाएगा. ओके, तो सेकेंड डे आज हमारा ये प्रोसेस रहेगा पूरा. ओके, एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मिस्टर सौरभ कि हमारी नई कार आई है, शुड वी गो फॉर सिरेमिक फॉर न्यू कार और ये थोड़ी ओल्ड होने दें फिर जाएं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. सो द थिंग इज दैट ईदर यू कैन गेट वैक्सीनेटेड
and prevent any problem from arising, or you can go in for a cure jis samay bimari ho jaye. So it is always better to get a protection done on your vehicle, because there are certain flaws jo ki na hum log correct nahi kar sakte. For example, chidiya ki beech se jo etching ho jati hai paint ke upar, so that is one thing. It's just an example, but that is one thing. जब भी चिड़िया की बीट आपके रॉपिंग पे पड़ेगी, अनप्रोटेक्टेड पेंट पे पड़ेगी, वहाँ पे आपका पेंट में एचिंग होएगी एंड दैट एचिंग विल नेवर गो ऑफ विद इवन विद पॉलिशिंग, बट सिरामिक कोटिंग विल प्रिवेंट दैट. ओके, परफेक्ट, ग्रेट आंसर. सो वी हैव द आंसर नाउ गाइस. ओके, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. लेट्स सी कि आज क्या प्रोसेस रहता है. अभी इस पर पॉलिशिंग हो चुकी है एंड अब इस पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसकी वॉशिंग होगी प्रॉपर एंड देन ग्लॉस फिनिशर इस पर अप्लाई होगा. उसके बाद लोग देखेंगे कि इसकी कैसी आती है. सो दिस इज व्हाट डे टू टेक्स. हेलो गाइस, तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी. यह है थर्ड डे हमारी सिरेमिक कोटिंग का, हमारी बम्बलबी एक्सयूवी 700 का. कल हमारा लास्ट जो ये सिरेमिक प्राइमर बोलते हैं वो हुआ था. आज देखते हैं क्या अपडेट है. सो हम पहुंच गए हैं ओसीडी डिटेल स्टूडियो. So guys, today is day 3 of our ceramic coating, as I mentioned earlier, and अभी I think cleaning चल रही है. And as usual, Mr. Saurabh will explain आज क्या क्या process रहेगा. Yeah, so today is the day when we'll be doing the ceramic coatings. The car, as you can see, is absolutely ready. Okay. Now we're just doing the final cleanups to prepare the base, and we will start with the applying ceramic coatings on the wheels, followed by the plastic trim. Then we will apply the window coat, and uske baad last mein log graphene coating karenge on the body panels. Okay, so this is the third day process. Then puri raat self healing hogi iski. Yes, yes. So we'll do an overnight curing, because the chemical reaction has to take place. This liquid that we applied has to harden and crystallize into silicon dioxide. परफेक्ट, परफेक्ट. सो वी कैन सी, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि कोटिंग हो चुकी है. अभी इस पर और होनी है. आई मीन पता नहीं इससे ज़्यादा क्या शाइन होगा. लेट सी एट द एंड रिजल्ट इसका क्या रहता है. सो टीम, सिरेमिक कोटिंग जो फाइनल स्टेप है ऑन द रिम्स और आई शुड से अलॉयस, वो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर क्लीनिंग अप एवरीथिंग. सो इसमें आप ये अलग सिरेमिक कोट जो उन्होंने दिखाया था वो अलग यूज होता है एंड बाकी कार पे अलग यूज होगा, राइट? लेयर आ जाएगी हल्की सी इसके ऊपर, राइट? शाइनिंग वाली टाइमिंग भी आ जाएगी. इसके बाद इसमें जो पानी डिपोजिट जमते हैं वो नहीं जमेंगे. अच्छा अच्छा, वो पानी जो भी इनमें फंस जाता है, जैसे आपने देखा होगा कभी, हाँ 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 हाँ, वाइट पड़ जाते हैं, तो वो नहीं होगा. ओके. Okay.
डिस्प्ले स्टार्ट हो चुकी है साइड में, साइड स्कर्टिंग की कोटिंग, ये जो प्लास्टिक है इस पर अलग कोटिंग होती है। कैन यू सी ये PS प्लास्टार, तो ये प्लास्टिक की जो अटैचमेंट है इस पर अभी कोटिंग हो रही है, एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस रहता है इसमें। साइड कटिंग और एलॉयस में हो चुका है सिरेमिक कोटिंग, अभी इसके ऊपर होनी बची है। गाइज़ तो आप देख सकते हैं इस पैनल पे अभी हमारी सिरेमिक कंप्लीट हो गई है, एंड इस पे नहीं हुई है। आई एम नॉट श्योर कि आपको वीडियो में विजिबल है या नहीं है, बट इसका टच बहुत स्मूथ है, इसका स्मूथ नहीं है, एंड विजिबली और टच से हम बता सकते हैं एक कोटिंग इस पे आ चुकी है, काफ़ी मोटी लेयर है एंड काफ़ी स्मूथ है। ये पानी डाल के भी इस पर पता लगेगा और वैसे भी विजिबल है।